नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है मार्च 2023 माह का राशिफल लेकर। यह जो राशिफल हुआ, आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर यह राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं मकर लग्न वालों की। मकर लग्न वालों का मार्च 2023 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। मकर लग्न वाले जो होते हैं वो शनि से संचालित होते हैं और शनि का गोचर जो है वो अभी आपके सेकंड हाउस में चल रहा है। यह गोचर व्यवस्था की बात करें तो यह महीने आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली रहेगी। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं आगे आदेशात्मकता एवं मीठी वाणी बोलने के कारण आपके कई काम बनते नजर आएंगे। करियर को लेकर आपको 11 मार्च तक थोड़ी भागदौड़ देखने को मिल सकती है और 11 मार्च के बाद घर में सुख सुविधा लग्जरियस लाइफ की जिस वस्तुओं की खरीदारी करते आप नजर आ सकते हैं। 12 मार्च के बाद आपको कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है। कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा। उग्रता सडन रिएक्ट एवं जिद करने से आपको बचना है। 14 मार्च के बाद आपको सरकारी कामकाज रुके हुए हैं तो 14 मार्च के बाद आप उनको हाथ पर लेकर कार्य को निपटा सकते हैं। और अपने से बड़े भाई बहनों का भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट है यह महीने आपको देखने को मिल सकती है। और यह महीने जो है धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे और 11 मार्च के बाद आपकी संतान की भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रभावितता देखने को मिल सकती है। कार्यस्थल को लेकर भी थोड़ी भागदौड़ रह सकती है। आपकी लव लाइफ भी गड़बड़ रहेगी। यह महीने जो हो यात्रा के योग बन रहे हैं। हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, 16 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 29 तारीख और 30 तारीख को कोई न कोई यात्रा के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई में। छोटे बच्चों का कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत रह सकती है। बाकी उच्च शिक्षा वालों के भी लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर को लेकर 11 मार्च तक आपको थोड़ी भागदौड़ देखने को मिल सकती है और 11 मार्च के बाद थोड़ी रुकावट के बाद आपका कार्य आगे बढ़ता नजर आ सकता है। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर स्थिति बढ़िया रहेगी, बशर्ते आपको कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है। और यह महीने जो है धन लाभ के योग बन रहे। हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। उन तारीखों में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं या तो उन तारीखों में आपको कोई ना कोई माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। हम आपको तारीख बता देते हैं, आप तारीख नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहेगा। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के योग भी अभी चल रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बात कर लेते स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर मध्यम रहेगा। आपको सर्द में दर्द, पेट पीठ कमर एवं सर में दर्द की शिकायत रहेगी। जिनको पहले से प्रोस्टेट पाइल्स एवं स्टोन को लेकर दिक्कत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। बात कर लेते संतान की। संतान को लेकर 11 मार्च के बाद संतान का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होता नजर आ सकता है। और मार्च 2023 का जो महीना है वो मकर लग्न वाले जातकों के लिए बढ़िया साबित हो उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए, भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं और हर शनिवार शाम को यथासंभव कुष्ठ रोगी एवं गरीब को भोजन एवं नाश्ता करा देते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।